नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे मित्रों के द्वारा ये पूछा जा रहा था कि मई महीना जो है वो खत्म होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक अनुदेशकों का जो मानदेय है वो उनके खातों में नहीं आया है। तो ये एक बड़ी समस्या है इस समय अनुदेशकों के सामने कि माह पूरा खत्म होने के बावजूद भी उनका मानदेय उनके खातों में नहीं आता है। लेकिन मैं यहां पर आपको एक पुरानी अपडेट याद दिला देता हूं कि जब अप्रैल माह का मानदेय जारी हुआ था तब उस समय दोनों ही महीनों की ग्रांट जो है वो जारी कर दी गई थी। इसलिए आपको इस समय ये घबराने की जरूरत नहीं है कि अभी तो धनराशि भी जारी नहीं हुई है, क्योंकि धनराशि ऑलरेडी पिछले महीने ही जारी हो गई थी। आपकी स्क्रीन पर यह पिछला वाला आदेश देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विषय ही केवल हम लोग पढ़ लेते हैं, अंशकालिक अनुदेशक मानदेय माह अप्रैल और मई 2023 की धनराशि प्रेषण के संबंध में, यानी कि अप्रैल और मई की धनराशि को एक साथ जारी किया गया था। लेकिन अभी तक अनुदेशकों के खाते में यह मानदेय नहीं आया है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे जिलों में अभी तक यह स्थिति है कि उनके यहां की जो पावना है वो उनके ब्लॉक पर संबंधित अधिकारियों को नहीं पहुंची है। और जब आपकी अटेंडेंस ही अधिकारियों तक नहीं पहुंचती है तो ऐसे में फिर आपका मानदेय जो है देर से आना वो एक निश्चित हो जाता है। और इस चीज का खामियाजा एक या दो स्कूल ऐसे होते हैं जिसके पूरी अटेंडेंस नहीं आ पाती है, लेकिन खामियाजा जो है पूरे जिले को भुगतना पड़ता है कि मानदेय पूरा लेट हो जाता है। ऑलरेडी अब मई का महीना जो है खत्म होने को आ रहा है और बहुत सारे स्कूलों की पावना बाह नहीं पहुंची है। तो ये सब चीजें आप लोग बिल्कुल ही सटीक तरीके से देख ले कि आपके विद्यालय की पावना सही जगह पहुंची है या नहीं पहुंची है, क्योंकि मानदेय विलंब से होना धनराशि जारी होने के बाद यही सबसे बड़ा कारण जो है वो रह जाता है। फिलहाल आपके मानदेय से रिलेटेड जो भी अपडेट निकल के आएगी वो मैं तुरंत आपको बता दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।